सुंदर भागवा भाग लगाए ये तो बागों के हर फूल को बिना समझे बागवा पत्ती पत्ती डाली डाली सीजे बागवा रब है बागवा बागवा रब है बागवा रब है बागवा अरे बागवा रब है बागवा बागवा रब है गीत की तरफ बड़े गौर से सुनना आदरणीय हमारे भैया बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं यार और जोगी जी धीरे धीरे जैसे बहुत प्यारे प्यारे गीत भी आप दे रहे हैं सुनिएगा सुनिए आए परिचाली में पीनो यहो आप लोग कथा समझ जाएंगे कि तीनों लोग किस सती की परीक्षा लेने आए आए परीक्षा ली ने तीनों हरी हरी शक्ति विधाता हो हरी हरी शक्ति विधाता हो हरी हरी शक्ति विधाता माता अनसुईया जग को पालने वालों को भी रही पालमा तो पालमा निहारे तीनों छोटे छोटे बाल ये विशेष याद रखना ये पालमा निहारे तीनों प्रेम से पुकारे तीनों छोटे छोटे बालकों को देख रही है वो तीनों उमा रमा ब्रह्माणी बालमा निहारे तीनों और प्रेम से पुकारे दे 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 बालमा हे माता अनसुईया ये अपने बालमा अपने छोटे छोटे बालक हमें दे दो माँ दे दो बाल माँ बालमा निहारे तीनों और प्रेम से पुकारे दे दो दे दो बालमा बालमा मेरे बालमा ये आपके जो बच्चे हैं ये कोई साधारण नहीं है माँ माता अनसुईया ये मेरे बालमा हैं बालमा मेरे बालमा अरे बालमा मेरे बालमा अरे बालमा मेरे बालमा मेरे बालमा बालमा मेरे बालमा बालमा मेरे बालमा अगली बात सुनिए इस लाइन को आप अंडरलाइन कर दीजिए बालमा
केवल एक ही शब्द चलेगा पूरे गीत में, बालमा मेरे बालमा, ये जो बाल है ये मेरे बालमा है, बालमा मेरे बालमा और बालमा मेरे बालमा, बालमा मेरे बाल। दूसरी बात, अरे जग जननी का हुआ समम, जन जननी का हुआ स्वयंवर, शिव शंभु हर साने हो, माता शिवा का स्वयंवर हो रहा है। गीत बड़ा है नारायण भाई, गीत बड़ा है सुनेगा। बालक बन त्रिपुरारी खेले, मैया लगी खिलाने हो, मैया लगी खिलाने हो, मैया लगी खिलाने हो। शिवा का स्वयंवर हो रहा है, भगवान शिव शंभु छोटे से बालक बन के पहुंच गए, शिवा की गोद में पहुंच गए, और जब शिवा ने देखा शिव जी को तो सोचने लगी, अरे हम जिनके लिए हैं यही तो हमारे पति देव हैं, गोद में खिला रही, देखिए हुआ क्या। क्या बेटे, तो प्रेम भाव से प्रेम की नजरें रही डालमा, बड़े प्रेम से उस बालक को देख रही है, क्या तो प्रेम भाव से प्रेम की नजरें दई डालमा, तो बालमा की, बालमा की करती भक्ति और शक्तिमान की जो शक्ति, प्यारे बालमा। ये वो शिवा कहने लगी शिवजी से कि बालमा मेरे बालमा, ये बालमा मेरे बालमा, अरे बालमा मेरे बालमा, मेरे बालमा, बालमा मेरे बालमा, बालमा मेरे बालमा। क्या बात, क्या बात, तो शिव ने ये अरे सनी ने नहीं निहारा हो, सनी ने नहीं निहारा हो, सनी ने नहीं निहारा हो। गणेश जी के अवतरण पर, उनके जन्मोत्सव पर सभी देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन एक देवता ऐसा है जो भगवान गणेश जी की तरफ नहीं देख रहा है। माता ने सोचा आखिर शनिदेव की कौन सी बुराई है हमारे गणेश से, तो शनि ने नहीं निहारा, शनि ने नहीं निहारा। जब शनिदेव से कहा तो शनिदेव ने कहा माँ कोई दिक्कत है, माता नहीं मानी, और जब नहीं मानी जो ही शनि ने देखा तो कटाशीष गणपति का जो ही, तो किसने सुत को मारा हो, किसने सुत को मारा हो, सुत को मारा हो। माता भवानी सोचने लगी क्या, के डाल गया है कुदृष्टि आके मेरे बाल सनी, अरे डाल गया है कुदृष्टि आके मेरे बाल तो बालना निहारे मेरा, और बिपता ने आके घेरा मेरा बालवा। या सोच रही है और कह रही है सभी देवताओं से कि अगर मेरा पुत्र जिंदा नहीं हुआ, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये जो मरा पड़ा है बालवा मेरे बालवा, अरे ये किसने कुदृष्टि डाली, किसने इसका सर काटा, इसके ऊपर कुदृष्टि किसने डाली, तो बालमा मेरे बालमा, इस बाल में किसने कुदृष्टि डाली कि सर कट गया। ये बात, बालना निहारे मेरा और बिपदा ने आके घेरा मेरे बालवा, अरे बालवा मेरे बालवा, अरे बालवा मेरे बालवा, अरे बालवा मेरे बाल, और एक बहुत अच्छे उदीयमान कीर्तनकार
जिनको हो सकता है कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे जिस कीर्तनकार को कोई ना जानता हो, अजय अनुरागी जी इनकी तरफ से ये हम सभी कलाकारों के लिए 101 रुपए का वजीफा आया है, ये हम सभी बच्चे आपस में बांट लेंगे आपका। और भगवान आपको जिस शिखर पे आप हैं उस शिखर से भी बहुत ऊंचे शिखर पर ले जाए, यही आशीर्वाद की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा सुनिए अवतरित आज का मकर संक्रांति का जो दिन है, आज के दिन ही सगर पुत्रों का उद्धार हुआ था। आज के दिन पीछे पीछे भागीरथ के पीछे गंगा जी आई थी। और हाँ सचदेव भाई एक बात और कह रहे थे कि मुकेश भैया ये बताइए क्या सभी जल गंगा जल है? सचदेवा जी एक नहीं 10,000 रुपए का अगर आप शर्त लगाएं तो मैं मंच पे आपको प्रमाण दूंगा कि हर नदी हर तालाब का जल गंगा जल है। इसी मंच पे जाऊंगा नहीं, इसी मंच पे इस कमेटी को दिखाऊंगा 10,000 रुपए का आप शर्त रखिए, चाहे वो कुआ का जल हो, चाहे वो नर्मदा का जल हो, चाहे वो कोई छोटी नदी का जल हो, यहां तक कि अगर तुम्हारे घर में भी पानी उपलब्ध है तो वो गंगा जल है। मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। मुकेश मृदुल अगर अकेले चलता है तो कुछ लेके चलता है। गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, प्रमाण मैं यही दिखाऊंगा आपको। बस लेकिन शर्त यह है कि रुपया 10,000 की शर्त यह मैं दूंगा तुम्हें। ऐसा नहीं है, मैं अपने पेमेंट से भी कटवाने की क्षमता रखता हूं और यही पे आपको प्रमाण दूंगा। सुनिएगा सुनिए गंगा जी ने कहा भागीरथ से, अरे राजन करने वाला कौन है? और यदि कोई मुझे को धारण कर ले तो जीव जगत के तारे हो, जीव जगत के तारे हो, जीव जगत के तारे हो। गंगा जी आई, भागीरथ जी ने भगवान भोले बाबा को प्रसन्न किया तो जटा जाल में उलझी गंगा फंसी जाल में। गंगा जी आई जटा में उलझ गई, अरे जटा जाल में उलझी गंगा फंसी जाल में, बाल बाल में लहराती और बात बात में उफनाती, बाल बाल में लहराती और बात बात पे उफनाती मेरे बालवा। भोले बाबा कहने लगे भागीरथ तुमने जिनको बुलाया था वो गंगा कहीं और नहीं है, बालवा मेरे बालवा जबरदस्त है, गंगा कहीं नहीं है, अगर है तो कहां है? अरे बालमा मेरे बालमा, और बालमा मेरे बालमा, और बालमा मेरे बालमा मेरे बालमा मेरे बालमा, बालमा मेरे बालमा, ये बालमा मेरे बालमा, और बालमा मेरे बालमा, बालमा मेरे बालमा। शाबाश। Thank you.
भैया हमारे मानी समानी, ये जो चैनल लगा है साहू स्टूडियो लालगंज राय बरेली, ये निष्पक्ष चैनल है, इस बात को मैं मंच के तरफ से कह सकता हूँ। ये वो चैनल है जिसमें कलाकार जैसा गाएगा वैसा ही यूट्यूब में आएगा, वरना मैंने यूट्यूब चैनल वाले तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि मेरे 40 प्रोग्राम हो गए आज तक पूरे प्रोग्राम नहीं आए। कई कलाकारों के प्रोग्राम है लेकिन प्रोग्राम नहीं आता, क्यों? क्योंकि कारण यही है, अगर प्रोग्राम तुम्हारा अच्छा गया, चैनल वाले का अच्छा गया तो प्रोग्राम पूरा आएगा, अगर प्रोग्राम बेकार हो गया तो यूट्यूब वहीं पे बंद कर दिया जाएगा। ये वो चैनल है साहू स्टूडियो। अच्छा हो या बुरा पूरा डालो, आदरणीय साहू जी को मैं सादर नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। अखिलेश बैरागी जी बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं भगवंत नगर से, मैं इनके चरणों में सादर प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद और पुष्पमाल वैभव राज भक्ति रस चैनल जो है इस बच्चे का, और उमेश भैया का लड़का है, वैसे सकल से तो नहीं लग रहा है यार, लेकिन है, हम इसलिए मान रहे हैं कि इन्होंने नारायण कभी झूठ नहीं बोलेगा, एक वो नारायण होगी ये नारायण, मैं इनकी तो शपथ ले सकता हूँ, ये झूठ नहीं कहता अपना, इसलिए भगवान बेटा तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना प्यारा और इतना ज्ञानवान पिता मिला है, जिसके राइटरी का लोहा अच्छे अच्छे कीर्तनकार लेते हैं। उमेश भैया मैं आपको नमन करता हूँ, क्योंकि आपसे मैंने सीखा है, इन कलाकारों से मैंने सीखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चॉइस हो रही थी कमेटी की तरफ से कि मुकेश जी सरगम सुना दीजिए। हाथी ले घूम रहे हो डाबर में कुत्ता तक रखे घर में, नरक का कर रहे हो मोबाइल में, ऐसे नेट खत्म हो जाएगा तुम्हारा, देखो नारायण ओ नारायण के धरती तर से अंबर तरी से रुत आए बागवा बाग लगाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवा बागवा रब है बागवा बागवा रब है बागवा बागवा रब है बागवा, अरे बागवा रब है बागवा, अरे बागवा रब है भगवान 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 भगवान।
लिखना पढ़ना हमको भी आता है लेकिन हम पैसे कम बचाते हैं। बिल्कुल ये बात सही। जवाब सुनेगा। अरे पिसम जो पिस निकला है उससे कोई नहीं उबारे। पिस तो निकला लेकिन मुकेश भैया आपने कहा मैंने आपने चीरा कहा मैंने चीरा कहा मैंने उसको छोड़ा नहीं। मुकेश भैया मैं भी नहीं छोड़ रहा हूं। सुनेगा पिसम जो पिस निकला है उससे कोई नहीं उबारे। अरे आकर पिया वाह गौरा जी कह रही हैं आकर पिया पिया ये बात आकर पिया पिया ने मेरे मिटे कष्ट है सारे। अरे जगत चल रहा था पिस धर की पिसम ज्वाल मा। जगत चल रहा था पिस धर की पिसम ज्वाल मा। शिव भोल अरे शिव भोले औघड़ दानी अद्भुत शक्ति समानी हमरे महाकाल मा। तो कह रहे की गौरा माता सबू अरे बाल मा ऐसे बाल मा बाल मा ऐसे बाल मा अरे बाल मा ऐसे बाल मा बाल मा ऐसे बाल मा बाल मा ऐसे बाल मा बाल मा ऐसे बाल मा। माता गौरा जी ने पूछा छोटू से अच्छा कोई छल्ला पैटर्न बजाए प्रभु आखिरकार ये बाल आखिर ये बाल है क्या। तो जब पता लगाया गया तो कहना पड़ा क्या दाढ़ी का वो बाल जो पकड़ा माता है चकराई। बोले आखिर ये बाल आखिर ये बाल किसका है। तो बाबा भोलेनाथ जी ने कहा इसी बाल को पकड़े पकड़े चली जाइए पता चल जाएगा ये बाल किसका है। और वो बाल किसी और का नहीं वो बाल है शेषनाग जी के दाढ़ी का। तो कहना पड़ा क्या अरे अंत नहीं पाई जब माता अरे बाल के बल है आई। अरे अद्भुत शक्ति थी वो शेष के उस बाल मा। एक बाल मा तो हो गए साजन और ये बाल जुड़ा है जाके शिव जी के बाल से। कहना बड़ा बात अपने अरे अद्भुत शक्ति थी वो शेष के उस बाल मा। दौड़ी दौड़ी माता रानी सन्मुख है औघड़ दानी दाढ़ी का बाल देखो जुड़ा बाल मा। कैसे जुड़ा कैसे बाल मा बाल मा बाल मा ऐसे बाल मा अरे बाल मा ऐसे बाल मा बाल मा ऐसे बाल मा बाल मा ऐसे बाल मा बाल मा ऐसे बाल मा। बाल मा कैसे जुड़ा ये बाल इस बाल मा। मुकेश भैया इधर देखो तब समझ पाओगे। बिल्कुल ये बाल इस बाल मा। नारायण तुम जा रहे हो उधर बाल जुड़ रहा। तीसरी बार माता सती ने अपना तन त्याग दिया और जब तन त्याग दिया तो भगवान भोलेनाथ जी ने अपनी जटा का बाल उखाड़ा और जब सिरा पर पटका तो उससे दो लोगों की उत्पत्ति हो गई एक वीर भद्र और भद्र काली। सुना सुने अरे कोद्र में पटका
करिश्मा है आला हो, करिश्मा है आला हो, करिश्मा है आला हो, करिश्मा है आला हो। अरे आधे बाल से बाल हुआ है, क्या बात है, आधे बाल से बाल यानी वीरभद्र, वाह क्या बात, आधे बाल से बाल हुआ है और आधे से वो पाला हो, अरे बाल बाल ना बचे असुर, अरे बाला बाला बाल मां, उनसे कोई बच नहीं पाया, बाला यानी कन्या, कन्या यानी भद्रकाली और बाल यानी वीरभद्र, कहना पड़ा, अरे बाल बाल ना बचे असुर, अरे बाला बाल मां, दक्ष का है मान घटाया, ऐसा कर तब दिखाया पाका बाल मां, तो आधे बाल से यानी आधे आधे बाल से बाल मां, बाल मां, बाल मां प्रकटे बाल मां, अरे बाल मां प्रकटे बाल मां, भैया बाल यानी पुत्र और मां यानी भद्रकाली, तो बाल मां ऐसे बाल मां, अरे बाल मां ऐसे बाल मां ऐसे बाल मां, बाल मां ऐसे बाल मां। ये आपके भारी भरकम गीत का प्रयास रहा, आइए मुकेश।